हेलो एवरीवन, तो आज चैप्टर 18 करने वाले हैं हम, एरिया ऑफ सर्कल, जिसका हमने क्वेश्चन नंबर 19 तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज के इस वीडियो में 20 नंबर्स स्टार्ट करेंगे और होपफुली 2 और 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आप चैनल में पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, और प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए क्योंकि लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है आगे कंटिन्यू करने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। तो क्वेश्चन नंबर 20 इस तरीके से है, राबिया ने एक बड़े कागज़ पर 21 सेंटीमीटर लंबी भुजाओं वाला एक समबाहु त्रिभुज बनाया। उस समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त बनाकर वृत्ताकार भाग के रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल निकाला। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है, जो इस तरीके के जो सम्स हैं, मैं एक दूसरी बात कहना चाह रही हूँ, आप लोगों से शेयर करना चाह रही हूँ, जो सम्स होते हैं उससे हमें पहले सॉल्व करना पड़ता है। सॉल्व करते हैं, उसका सोल्यूशन निकालते हैं, आंसर मैच करते हैं, कभी कभार कुछ कन्फ्यूज़न भी क्रिएट हो जाता है। तो इस तरीके से करते करते थोड़ा टाइम लग जाता है, साथ में फिर वीडियो अपलोड करना, वीडियो बनाना, तो इसमें काफ़ी मेहनत लगता है। बस आप लोगों को एक ही काम करना है कि आपको लाइक करना है और हो सके तो थोड़ा शेयर भी कर देना है, जिससे थोड़ा सा वीडियो हमारा आगे बढ़े और लोग जाने कि हाँ इस तरीके के सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड है। तो प्लीज़ थोड़ा सा आपसे हेल्प चाहिए। और जहाँ तक रेवेन्यू की बात है, ना के बराबर रेवेन्यू आती है, लेकिन फिर भी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, हमारे वीडियोस पे व्यू उस तरीके से नहीं जाते हैं जैसे जाने चाहिए, लेकिन अपना मेहनत हम पूरी तरीके से देना चाहते हैं। चाहे अगर शायद हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है, लेकिन शायद कुछ बच्चों को यहाँ से फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि काफ़ी कॉमेंट्स ऐसे भी आते हैं कि हमें फ्री में यहाँ से एजुकेशन मिल जा रहा है, हमें फ्री में सारे सोल्यूशन, सारी चीज़ें समझ में आ जा रही है एज अ स्कूल टीचर। और मैथ्स के लिए ट्यूशन लेना ज़रूरी हो जाता है, तो आप को मैथ्स इजी करने के लिए इस तरीके के हम वीडियो कंटिन्यू डाल रहे हैं। तो प्लीज़ कम से कम आप लोगों को का इतना सपोर्ट चाहिए, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपका इतना वक्त मैंने बर्बाद कर दिया इसके लिए, सो सॉरी। तो चलो डायरेक्टली मूव करते हैं क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ पे दिया हुआ है कि राबिया ने एक बड़े कागज़ पर 21 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज, मतलब कि इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म किया। तो सबसे पहले हम इस तरीके के इक्विलेटरल ट्रायंगल को फॉर्म करते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन को पढ़ के प्रोसीड करेंगे। इस तरीके से इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म किया है राबिया ने, और उसमें क्या दिया है, साइड्स 21 सेंटीमीटर, ईच साइड 21 सेंटीमीटर का है। ठीक है, ठीक है, ईच साइड 21 सेंटीमीटर। सपोज ए बी सी ये ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इसके ईच साइड्स कितने 21 सेंटीमीटर के हैं। इसके अंदर एक इनस्क्राइब सर्कल बनाया, अंदर में अंतर्वृत्त बनाया, इनस्क्राइब सर्कल। ठीक है, इस तरीके से सर्कल फॉर्म किया, और उसके बाद क्या है, ऑन बिग पेपर कलर्स। ठीक है, तो इनस्क्राइब सर्कल बनाया, और तो उसके रंगे हुए भाग को, ठीक, एक्चुअली जो ये सर्कल है ना, एक बार मैंने जो लिख के रखा है उसको मैं पढ़ के सुना लूँ। ठीक है, राबिया ड्रीव इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड 21 सेंटीमीटर ऑन बिग पेपर एंड ड्राइंग इनस्क्राइबिंग सर्कल दैट ट्रायंगल कलर द सर्कुलर रीजन, सो कैलकुलेट द एरिया ऑफ द कलर रीजन। उसने क्या किया कि ये जो पार्ट है ना सर्कल, उसको कलर कर दिया, और इस कलरफुल रीजन का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें एरिया ऑफ सर्कल यहाँ पे फाइंड करना है, लेकिन ये सर्कल कैसा है, इनस्क्राइब सर्कल है। ठीक है, अंतर्वृत्त है। तो बेसिकली इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक सेक्टर ले लेते हैं, ये वाला पार्ट को सेक्टर मान लेते हैं, और इस सेक्टर से हम क्या करते हैं, यहाँ 60 डिग्री का एंगल होगा ऑब्वियसली, और यहाँ इस सेक्टर का एरिया निकालते हैं, फिर इसका निकालते हैं, फिर इसका निकालते हैं, और टोटल एरिया जो होता है, जैसे समबाहु त्रिभुज है तो हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का टोटल एरिया में से इस सेक्टर्स को माइनस कर देंगे, तो हमें एरिया ऑफ सर्कल मिल जाएगा। लेकिन मैंने इस तरीके से करके देखा, आंसर मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर मैंने दूसरा तरीका अपनाया और उससे आंसर आ गया, तो मैं चाह रही हूँ मैं दूसरे तरीके से इसे बना दूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो वो भी मेथड बड़ा ही इजी है, मैं उस मेथड को यहाँ पे रख रही हूँ। मैंने क्या किया कि ये जो ट्रायंगल है इसका मैंने एरिया निकाला, ठीक है, इसका एरिया निकाला, और साथ में मैंने क्या किया कि इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ और यहाँ। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, और इस परपेंडिकुलर ड्रॉ जहाँ किया इसको सेंटर मान लिया ओ। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, मैं दिखाना चाहूँगी दूसरे पेन से, इस तरीके से ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है इसका जो रेडियस है वो ये है। ठीक है, तो इस रेडियस को हमने क्या मान लिया आर मान लिया। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इस ट्रायंगल का एरिया निकाला, तो इसी तरीके से इन तीनों ट्रायंगल का, जो ये तीन ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, तीनों ट्रायंगल का एरिया निकाला, और तीनों ट्रायंगल का एरिया के साथ टोटल एरिया ऑफ ट्रायंगल को हमने इक्वल कर दिया, और वहाँ से हमें रेडियस मिल गया आर। और जैसे ही आर मिला, हमें मिल गया रेडियस ऑफ सर्कल, और सर्कल मिलने के बाद हमने वहाँ से एरिया ऑफ सर्कल फाइंड कर लिया। तो इस तरीके से बनाया मैंने, तो उस आंसर आ गया। तो इसीलिए थोड़ा सी वीडियो अपलोड करने में टाइम लग जाता है, क्योंकि मेथड भी देखना पड़ता है और टाइमिंग भी देखनी पड़ती है, क्वेश्चन कभी कभी अजीब सा हो जाता है, आंसर मैच नहीं करता है। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे।
तो मैं यहाँ आंसर रेड पेन से ही सॉल्व करने वाली हूँ क्योंकि वो पेन मेरा चल नहीं रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कम सर्कल, सर्कम एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, रूट 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, यही होता है साइड स्क्वायर। तो रूट 3/4 साइड कितना है 21 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और रूट 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, रूट 3 इंटू 4/4 1/4। ठीक है, इतना स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब मैंने जैसे कि यहाँ पे माना था ना रेडियस ऑफ इन सर्कल, ठीक है, ले लेंगे कि लेट 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 रेडियस ऑफ इन सर्कल इक्वल्स आर, रेडियस ऑफ इन सर्कल हमने आर ले लिया। ठीक है, तो यहाँ मैं अकॉर्डिंग टू फिगर करना चाहती हूँ, अकॉर्डिंग टू फिगर। ठीक है, या फिर आप टोटल ही लिख सकते हैं कि फ्रॉम फिगर लिख सकते हैं, फ्रॉम फिगर फिगर। ठीक है, यहाँ पे 3 ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, ट्रायंगल बी ओ सी, यहाँ पे मैंने ओ नाम दे दिया। ठीक है, एंगल ट्रायंगल बी ओ सी प्लस ट्रायंगल सी ओ ए, सी ओ ए प्लस ट्रायंगल, ठीक है, ए ओ बी, ए ओ बी इक्वल्स ट्रायंगल ए बी सी, ये हम कह सकते हैं ना, तीनों ट्रायंगल को जोड़ेंगे तो ए बी सी के एरिया के बराबर होगा। ठीक है, तो अब तीनों ट्रायंगल का हमें क्या निकाल लेना है, एरिया निकाल लेना है। तो हमें पता है फॉर्मूला कहता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बी ओ सी में आप देख सकते हैं बी ओ सी में जो बेस है क्या है वो बी सी है, और हाइट यहाँ पे देख सकते हैं कि रेडियस आर है। इस तरीके का जो ट्रायंगल होता है तो इसमें यही वाली हाइट होती है, यही वाली हाइट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम हाइट ले लिया आर। ठीक है, उसी तरीके से सी ओ ए में भी क्या होगा, सी ओ ए, सी ओ ए में क्या होगा कि हाफ इंटू बेस, बेस क्या है ए सी है, इंटू हाइट, हाइट क्या है यहाँ पर रेडियस आर ही होगा, हाइट भी यहाँ आर ही होगा। उसी तरीके से ए ओ बी में सेम, हाफ इंटू बेस हो जाएगा ए बी और रेडियस हो गया आर इक्वल्स, इसका हमने एरिया निकाला था कितना आ गया था 4/4 1/3/4। ठीक है, अब सब में से कॉमन क्या है, बी सी ए सी और ए बी। ठीक है, तो अगर मैं आर यहाँ से कॉमन निकालूँ, हाफ इंटू आर कॉमन निकाल लूँ, तो क्या बचेगा हमारे पास, बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी इक्वल्स 4/4 1/3/4। ठीक है, और हमें हर साइड का लेंथ पता है, हर साइड का लेंथ क्या है 21 है, और 3 बार 21 21 21 है, तो 3 × 21 भी कर सकते हैं, या फिर 3 बार 21 को सीधे जोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आर निकालना है। ठीक है, आर बाय 2 है, चलो 2 को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर मल्टीप्लाई बी सी प्लस ए सी प्लस ए, इसको लिख सकते हैं 3 × 21, क्योंकि 21 तीन बार जोड़ रहे हैं तो 3 × 21 भी लिखा जा सकता है। चलो आर यहाँ पे अभी रखते हैं 2, बाद में इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, 1/2 आर इज इक्वल्स टू 4/4 1/3/4। ठीक है, अब इसे यहाँ पे हमें बस कैलकुलेशन ही करना है, आर निकाल लेते हैं यहाँ से, आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4/4 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई इंटू 2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया बाय 4, पहले से था यहाँ पे, ये नीचे आएगा 3 × 21। अब इसे हमें सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो 4/4 1 से जब 21 को भाग लगाएंगे तो ये 21 टाइम्स में कट जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि 21 × 21 4/4 1 होता है, 3 × 7 = 21, अब कुछ भी नहीं कटने वाला है, तो हो जाएगा कितना 14√3 14√3/4। अच्छा, 14√3 क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये 2 × 4 भी तो कट जाएगा, 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 7√3/2। तो यहाँ पर रेडियस हमारे कितना आ गया 7√3/2 सेंटीमीटर। अब हमने रेडियस निकाल लिया, अब हम निकालना है एक्चुअली क्या था कि सर्कल का एरिया निकालना था, तो चलो एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं। एरिया ऑफ इन सर्कल, पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर का वैल्यू है 7√3/2 × 7√3/2। अब देखते हैं 7 से 7 कट गया, 2 से ये 11 टाइम्स में, और तो कुछ भी नहीं कट रहा है, तो ये हो गया कितना 7 11 = 77, और 3√3 × 3/2। ओके, तो जब इसे हम करेंगे मल्टीप्लाई तो आ जाएगा कितना 231/2 दैट मीन्स हो गया आपका 115.5, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो इस उस वाले मेथड से ये नहीं आ रहा था, लेकिन इससे आ गया, चलिए कोई बात नहीं। तो इस तरीके से हमें हमें मिल गया एरिया ऑफ इन सर्कल, एरिया ऑफ द कलर पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो मैं एक बार स्क्रॉल करके पूरा आंसर दिखा दूँ।
मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 21 नंबर, एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करें करके लिखे। तो परिवृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे दिया हुआ है और उस त्रिभुज का हमें ईच साइड्स का लेंथ हमें फाइंड करना है। ओके, सबसे पहले ये दिया हुआ है कि एरिया ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब परिवृत्त का जो परिवृत्त का क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, परिवृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है और हमें निकालना क्या है, त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई। सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं जिससे आपको पता चले कि परिवृत्त अंतर्वृत्त कभी कभी भूल जाते हैं बच्चे। तो इस तरीके से समबाहु त्रिभुज का क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का परिवृत्त बना हुआ है। तो बाहर से जो वृत्त बना होता है, बाहर से जो सर्कल बना होता है, उसे सर्कम सर्कल या परिवृत्त कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया ए बी सी। ठीक है, और हाँ ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल सर्कम सर्कल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 462। बेसिकली दिया क्या हुआ, एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 462। ठीक है, कह सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 462। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक चीज़ तो मानना पड़ा, मैं यहाँ लिखने भूल गई कि लेट रेडियस रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू आर, ठीक है, आर सेंटीमीटर। तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 462 हो गया यहाँ पे। अब पाई का वैल्यू हमें पता है, आर स्क्वायर निकालेंगे, 462 डिवाइडेड पाई, पाई का वैल्यू कितना होता है 462 है 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा 22 नीचे। ठीक है, अब इसे कट कर देते हैं, डिड्यूस कर देते हैं, 11 टू ज़ा और 11 फोर ज़ा और 11 टू ज़ा, फिर से ये 2 से कट जाएगा, 2 टू ज़ा 4, 2 वन ज़ा, यानी कि 21 मल्टीप्लाई 7। तो 21 मल्टीप्लाई 7 आ गया कितना, आर स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है, तो कितना आ गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 × 7 × 7। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से r निकालूँ तो ये रूट चढ़ जाता है, 3 × 7 × 7, 7 का पेयर बन गया, 7 बाहर आ जाएगा, 7√3 सेंटीमीटर। तो r का वैल्यू इतना आ गया। हमें एक्चुअली निकालना क्या था, हमें रेडियस मिल गया। ठीक है, तो लिख देते हैं कि रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल परिवृत्त सर्कम सर्कल इज इक्वल टू 7√3 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें थोड़ा सा यहाँ पे एक क्या खींचना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, जो कि सेंटर से पास करता है, ऑब्वियसली सेंटर से ही पास करेगा। ठीक है, तो जो ये सेंटर है, सर्कल का जो सेंटर है, और इसके साथ इसका नाम दे देते हैं ओ। ठीक है, तो ये जो ए ओ हो गया वो रेडियस हो गया, तो ए ओ इज इक्वल टू एक्चुअली क्या, ए ओ इज इक्वल टू क्या हो गया, 2/3 ऑफ ए डी। ये एक्चुअली होता है, ए डी क्या है, यहाँ पे मीडियन है, और मीडियन के साथ जो इसका रिलेशन होता है ना, ये जो इसका सेंटर है, ठीक है, सर्कल का जो सेंटर है उसके साथ ये रिलेशन होता है कि ए ओ इज इक्वल टू 2/3 ऑफ ए डी। ठीक है, अगर इसको अच्छे से आपको डिटेल में जानना है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन अभी इतना जानना है हमें कि ए ओ इज इक्वल टू 2/3 ऑफ ए डी होता है। ए डी जहाँ पे मीडियन है, ए डी ऑल्टीट्यूड भी हो सकता है ट्रायंगल का, क्योंकि यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जहाँ पे ऑल्टीट्यूड और मीडियन सेम होता है। ठीक है, अब ऑल्टीट्यूड और मीडियन में कुछ खास डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जैसे अगर मैं ये ट्रायंगल लूँ तो इसका जो मिड पॉइंट है, इस लेंथ का मिड पॉइंट ये रहा और इसके साथ ऐसे मिला हो, तो ये जरूरी नहीं है कि ऑल्टीट्यूड ही हो। ऑल्टीट्यूड हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। ठीक है, तो अगर मैं इस तरीके का ट्रायंगल लूँ तो ये वाला ऑल्टीट्यूड है, लेकिन मीडियन क्या है, ये है। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, लेकिन यहाँ पे इस केस में इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन ऑल्टीट्यूड दोनों ही सेम हो जाता है। तो इस तरीके से रिलेशन बनता है कि ए ओ इज इक्वल्स 2/3 ऑफ ए डी। ठीक है, अब ए ओ क्या है, आर है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए ओ इक्वल्स 2/3 ऑफ ए डी। ठीक है, तो ए ओ इज द आर। ठीक है, ए ओ क्या है, रेडियस है, तो आर इक्वल्स 2/3 ऑफ ए डी। ठीक है, तो यहाँ से हम AD निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से रेडियस का वैल्यू पुट कर देते हैं, R का वैल्यू कितना, 7√3 डिवाइडेड इज इक्वल टू 2/3 AD। तो यहाँ से AD का वैल्यू निकालेंगे, AD इक्वल्स क्या हो जाएगा, AD इक्वल्स हो जाएगा 7√3 डिवाइडेड 2 सेंटीमीटर। तो ए डी का लेंथ हमें मिल गया। इस ए डी का लेंथ जैसे ही मिलेगा, हम यहाँ से ए सी निकाल सकते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, ये क्या है, ऑल्टीट्यूड है, ऑल्टीट्यूड क्या होता है, ऊंचाई, और वो हमेशा क्या होता है, अपोजिट ये के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। जब ये 90 है तो यहाँ पाइथागोरस रूल लगा सकते हैं हम। ठीक है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम ए सी निकालेंगे, तो बहुत ईजी तरीके से निकालेंगे। यहाँ पे लग रहा है आपको थोड़ा सा टफ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, फिर से आप देख सकते हैं, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ठीक है,
आप एक बार मैं फिगर फिर से दिखा दूँ, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आप लिख सकते हैं पाइथागोरस रूल। ठीक है, अब ए सी का वैल्यू हमें निकालना ही है और ए डी, ए डी कितना है, ए डी हमारे पास है 21√3, 21√3 डिवाइडेड 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर, प्लस डी सी जो है, डी सी हाफ ऑफ बी सी है, हाफ ऑफ बी सी यानी कि हाफ ऑफ ए सी भी कह सकते हैं क्योंकि बी सी और ए सी सब तो इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए सी यानी कि ए सी बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से मैं थोड़ा सा मिटाना चाहूँगी क्योंकि यहाँ पर जगह की कमी हो रही है, या फिर मैं स्क्रॉल कर लेती हूँ। ठीक है, तो ए सी बाई 2 क्यों हुआ समझ में आ गया, क्योंकि ए सी डी सी सब इक्वल है, ए सी डी सी के हाफ के बराबर है, ए सी और बी सी इक्वल है, तो मैंने बी सी की जगह पे यहाँ पे ए सी ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे 21 का स्क्वायर कितना हो गया 441 मल्टीप्लाई 3√3 का स्क्वायर 3 हो गया बाई 4 प्लस, ठीक है, ए सी का स्क्वायर हो जाएगा बाई 4। ठीक है, अब इस ए सी को मैं उधर सेंड कर सकती हूँ, तो हमने क्या किया कि ए सी स्क्वायर माइनस इधर सेंड कर दिया हमने, ए सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स 441 मल्टीप्लाई 3 बाई 4। तो जैसे ही इसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 4 में से 1 गया 3 यानी कि 3 ए सी स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स 441 मल्टीप्लाई 3, बस आपका आंसर आ जाएगा 4 से 4 कट गया 3 से 3 कट गया, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या गया 441, दैट इज ए सी इक्वल्स √441 यानी कि 21 सेंटीमीटर। निगेटिव को नहीं लेंगे, प्लस माइनस 21 होता है, बट यहाँ पे हम सिर्फ 21 लेंगे क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है। तो ए सी क्या है, समबाहु त्रिभुज की एक साइड है, तो हम लिख सकते हैं कि साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर हो गया। एक साइड निकल गया इसका मतलब सारा साइड इक्वल होता है, तो ये 21 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो एक बार मैं स्क्रॉल करके पूरा आंसर दिखा दूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को पूरा कर लिया, अब नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा समझाने वाला है, थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है, वीडियो लंबा हो जा रहा है, मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी जल्दी बोलूँ, और जल्दी जल्दी बोलती हूँ तो लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, तो जो भी मिस्टेक्स है उसको अवॉइड कीजिए और जो पॉजिटिव है उसको लीजिए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।